सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा और माय डीमन वाइफ की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 155। तो अब शुरू करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक से शेयर कर दें, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। अचानक से पूरे ह्यूमन एम्पायर के अंदर भूकंप आने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन एम्पायर के जमीन के अंदर से एक काफी बड़ी चीज बाहर की ओर निकल रही होती है। देख, टीचर मार्टिन, टीचर डोरोना और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि साटो भी रीजेंट को इस बारे में बताने लगता है, लेकिन रीजेंट साटो से कहता है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी पावर हमारे किंग के आने की वजह से रिलीज हो रही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जमीन के अंदर से काफी बड़े ब्लैक कलर के ड्रैगन विंग्स निकलते हुए दिखाए जाते हैं। इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की डीमंस के ऊपर आर्चरी क्लास के बच्चों ने अपने एरोस से अटैक किया होता है, जिसे देख वो डीमंस कहते हैं कि ये एरोस की बारिश तो बिल्कुल ही एंडलेस है, आखिर हम लोग इस एरोस की बारिश से कैसे बचेंगे। वो डीमन इतना कहते ही है कि तभी और भी ज्यादा एरोस उनकी ओर आने लगते हैं, जिसे देख वो डीमन फिर से कहता है, सभी लोग जल्दी से केयरफुल हो जाएं, ये एरोस की दूसरी वेव फिर से हमारी ओर आने लगी। लेकिन जैसे उन एरोस की दूसरी वेव उन लोगों के करीब पहुंचती है, जियांग भी अपनी पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट करता है। शील्ड के साथ डीमन क्वीन इजाबेला की पावर्स भी मिली हुई होती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी एरोस वहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देख वो सारे डीमंस खुश होते हुए कहते हैं कि सच में हमारे कमांडर ऑफ चीफ और हमारी डीमन क्वीन इजाबेला, उन्होंने मिलकर के इस अटैक को बड़े ही इजीली काउंटर कर लिया है। इजाबेला अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए साथ ही एंसेस्टर की दी गई तलवार को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ती है। उसके साथ में जियांग भी अपने आयरन मैन वाले सूट को पहन करके उसका साथ देता है। जियांग और इजाबेला अपने सभी लोगों के पास आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अब जल्दी से तैयार हो जाएं। इजाबेला और मैं, हम दोनों मिलकर के तुम्हारे सामने के सारे रोड को क्लियर करते हैं। जियांग की ये बात सुन सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम लोग भी आगे बढ़ करके इस फाइट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। इजाबेला भी जियांग से कहती है कि जियांग, हमारा ये मूवमेंट एम्पायर के लिए एक काफी बड़ा मूवमेंट है। जियांग भी इजाबेला की बात सुनता है और उसको हाँ करता है, जिसके बाद हमें एम्पायर का सीन दिखाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरे एम्पायर के ऊपर आसमान में काले बादलों ने एम्पायर को घेर लिया होता है, कि जमीन के अंदर से एक काफी बड़ा और भयानक ब्लैक कलर के ड्रैगन का विंग्स बाहर निकल रहा होता है, जिसका के एयर प्रेशर भी इतना ज्यादा तगड़ा होता है। उसकी वेव्स एम्पायर के सभी लोगों तक आती है, कि एम्पायर के सारे लोग अपने सामने ये नजारा देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी में कहते हैं, क्या सच में ये वही चीज है, क्या ये सच में वो लेजेंडरी ड्रैगन है। जबकि टीचर विच का स्टूडेंट भी ये देख हैरान होते हुए अपने टीचर से पूछता है कि टीचर, क्या सच में ये लेजेंडरी ड्रैगन बिल्कुल ट्रू है। टीचर विच भी कहती है कि हाँ, मैं खुद भी इस ड्रैगन को अपने सामने पहली बार देख रही हूँ, इसको देख पाना मेरे लिए भी ये सब पहली बार है। वक्त टीचर मार्टिन और टीचर डोरोना भी बाहर की ओर निकलते हैं और टीचर डोरोना अपने सामने उस ड्रैगन को देख हैरान होते हुए कहती है कि वो, ये लेजेंडरी ड्रैगन तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्या सच में ये वही है जिसका के सामना आगे जियांग के साथ होने वाला है। उधर तभी टीचर बोना और टीचर फियोना दोनों ही एम्पायर की छत के ऊपर खड़े होते हैं, तभी आसमान में जाते हुए उस ड्रैगन की पूंछ की ओर ही देख रहे होते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। टीचर फियोना ये सब देख काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती हैं कि क्या सच में ये एम्पायर का आखिरी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। उधर तभी इस सब के बाद में हम लोगों को उस ड्रैगन का पूरा व्यू दिखाया जाता है, जिसमे की आसमान में उसके काफी बड़े ब्लैक कलर के विंग्स होते हैं और चमकते हुए रेड कलर की आंखों के साथ वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रहा होता है। साथ ही उसके बड़े से फेस के बीच में उसकी रेड कलर की चमकती हुई आंखों के ठीक सेंटर में एम्पायर के लिटिल किंग को दिखाया जाता है, जो कि उस लेजेंडरी ड्रैगन के ब्रेन के साथ पूरी तरीके से अटैच होता है। यानी कि अब इस लेजेंडरी ड्रैगन को प्रिंस ही कंट्रोल कर रहा है। सबके बाद में वो लेजेंडरी ड्रैगन आगे की ओर बढ़ने लगता है, तभी उसके पूछ के पीछे दो नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमे की एक डिफिन या ईगल टाइप का एक बीस्ट होता है और उसके साथ ही उसके ऊपर एली टाइप की कुछ चीज होती है, लेकिन उसका कोई फेस क्लियर नहीं होता। अब वो ईगल बीस्ट अपने सामने उस लेजेंडरी ड्रैगन को देख करके ऊपर बैठे एक बंदे से कहता है कि अभी आपको बिल्कुल भी खड़े होने की जरूरत नहीं है, कि अभी मैं इस विशाल छिपकली को काफी ज्यादा करीब से देखने के लिए जा रहा हूँ। इधर जियांग और इजाबेला भी उस लेजेंडरी ड्रैगन को अपने सामने देखते हैं, तो जियांग उसे देख इजाबेला से कहता है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आखिर क्या है और वो कितना बड़ा है, कि हम दोनों एक साथ मिलकर के उस चीज को जरूर ही हरा देंगे। इतना कहकर के जियांग और इजाबेला दोनों एक साथ रेडी हो जाते हैं, सीधा उस लेजेंडरी ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि इधर दूसरी ओर वो
लेजेंडरी ड्रैगन भी। सेमे जियांग और इजाबेला को अपनी ओर आते हुए देखता है, फिर साथ ही वो ड्रैगन एक लंबी सांस अपने अंदर भरता है, एक डार्क कलर की पावरफुल एनर्जी बीम को अपने मुंह में कंडेंस करता है। फिर उस बीम को कंडेंस करने के साथ ही बीम की एनर्जी से वो जियांग और इजाबेला के ऊपर दूर से ही एक जबरदस्त अटैक करता है, जो कि एक काफी बड़ा वाइड रेंज अटैक होता है। वो अटैक दूर से ही एक काफी बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करता हुआ साथ ही उसके सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और चारों ओर एक जबरदस्त सी तबाही मचाता हुआ सीधा उस एम्पायर के गेट को पार करते हुए सामने की ओर जा रही होती है। जबकि वहीं पे एम्पायर के गेट के सामने खड़ा रीजेंट अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट करता है और उसमें खुद को और अपने साथ के सभी टीचर्स को अंदर लेता है। फिर साथ ही उस शील्ड को एम्पायर के गेट से नीचे लेजेंडरी ड्रैगन की पावर बीम से बचा करके नीचे करता है और फिर इसके बाद हम लोगों को उस पावरफुल बीम को दिखाया जाता है जो कि एम्पायर के गेट को भी पार कर चुकी होती है, सीधा जियांग और इजाबेला के करीब ही आ रही होती है। जियांग ये देख इजाबेला से कहता है कि इजाबेला ये अटैक एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है, हम लोगों को इसका सामना करने के लिए एक संग अपनी पावर्स को कंबाइन करना होगा और इसके सामने एक पावरफुल सी शील्ड बनानी होगी। इसके बाद इजाबेला भी इस चीज के लिए रेडी हो जाती है और अपने एंसेस्टर की दी गई तलवार को एक्टिवेट करती है और अपना एक अटैक कंबाइनिंग द पावर ऑफ गॉड और डीमन होता है। जिसके बाद इजाबेला जैसे ही इस शील्ड को एक्टिवेट करती है तो उसके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल एक्शन शील्ड एक्टिवेट होती है जिसमें कि जियांग भी अपने फील्ड लॉन्च को एक्टिवेट करता है और उस शील्ड में अपनी फील्ड पावर को डाल करके उस शील्ड को और भी ज्यादा पावरफुल कर देता है। तो अब जैसे ही ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट होता है तो इजाबेला और जियांग की ये क्रिएट की गई शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उस लेजेंडरी ड्रैगन की वो पावरफुल बीम को काफी हद तक अच्छी तरीके से होल्ड करने लगती है। मगर लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर देना और इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।